बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस ट्रेडिंग टीचर के एल्गोरिथमिक वीडियो सीरीज में। मैं प्रोफेसर एआर ज्ञानबोटे आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें ट्रेडिंग टीचर एल्गोरिथम वन मैंने बताया था कि ये हमें क्रॉस और जो हमने उसमें टेस्टिंग किया था वो यूरो यूएसडी पे आई थिंक किया था, तो वही एल्गोरिथम जो है हम अपने इंडियन मार्केट्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में बताने के लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो है वो MT4 का प्लेटफॉर्म है और MT4 के प्लेटफॉर्म में मैंने ये डाटा लिया हुआ है कंपनी से जो 400-500 रुपये पर मंथ लेकर आप खरीद सकते हैं डाटा को, और इसी डाटा का इस्तेमाल करके हम अपनी जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स अपने जरूदा हो या शेरखान हो उस ब्रोकर के सामने ब्रोकर के साथ में हम उसमें प्लेस कर सकते हैं और ये एल्गोरिथम के बेसिस पे वो सब कुछ प्रोसेसिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको पहले ये अल्गोजी बोल के एक वेबसाइट है, अल्गोजी यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये वेबसाइट है algoji.com। तो इसका जो प्राइसिंग वगैरह जो है वो हम बाद में देखेंगे, तो पहले हमें इस वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा उसके लिए। तो ये सपोर्ट करता है अमी ब्रोकर को और उसके बाद में MT4 को भी ये सपोर्ट करता है, तो आप इसमें साइन अप फ्री कर सकते हैं। तो आप इसको साइन अप करिए, उसके बाद में कुछ प्रोसीजर आएगी उसको फॉलो करके आप अपना ID पासवर्ड बना लीजिए और स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेडिंग का फ्री वाला अकाउंट सिलेक्ट करें और उसके बाद में इसको पहले टेस्ट करें और उसके बाद में हम रियल ट्रेडिंग में जा सकते हैं। तो जिनके एक दो ऑर्डर भी हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं सही डायरेक्शन में तो एक अच्छा प्रॉफिट हम उसमें कमा सकते हैं। तो अपना जो मेरा जो काम जो मैंने जो किया है एल्गोरिथम का उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो ये MT4 को भी सपोर्ट करता है, तो जो अपना जो रोबोट मैंने जो बनाया था EMA क्रॉस वाला ट्रेडिंग टीचर EMA क्रॉस वो हम अपने इंडियन मार्केट्स में लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ACC सीमेंट कंपनी का चार्ट है ACC और ये NSE का चार्ट है, यहाँ पर ये जो है ये चार्ट आपको दिख रहा होगा और जो मूविंग एवरेजेस है इसमें जो दो ऐड किए हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट मैंने 13 और 21 रखे हैं EMA। आप उसको जैसा चाहे चेंज कर सकते हैं अगर आपको करना है। मैं आपको यहाँ पे इनपुट सेक्शन इसका दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप ये ट्रेडिंग टीचर एल्गोरिथम वन जो फाइल है वो फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका प्रोग्राम जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट, ट्रेडिंग टीचर एल्गोरिथम वन। तो ये प्रोग्राम में एक लॉट है, लॉट और एक मैजिक नंबर है और जो EMA है, तो ये EMA जो एक्सटर्न है ये हम बाहर से इसको चेंज कर सकते हैं और इसको जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट को अपन लॉक करके देख सकते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन है इसका दिखाने जा रहा हूँ। तो इसका जो एक्सपर्ट का जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लॉट, मैजिक नंबर और EMA फर्स्ट, EMA सेकंड और ये स्लिपेज है, तो टाइम स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम कितना रखना है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, 10 बजे अपना रोबो एक्टिवेट हो जाएगा और 2 बजे दोपहर में, या 2 को हम ऐसे बोल सकते हैं 14, तो 14 बजे ये रोबो बंद हो जाएगा, राइट। तो हम स्टार्ट टाइम इन टाइम इसे वो सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको नॉर्मल पे रख देता हूँ, राइट। और जो मूविंग एवरेजेस हैं आप उसको जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 20 और 50 का क्रॉसओवर है जो पॉपुलर है जिसको गोल्डन क्रॉसओवर हम बोलते हैं, वो भी क्रॉसओवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या 100 और यहाँ पर छोटा वाला जो होगा वो 30 का होगा और 100 का होगा। बहुत सारे मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजीज हैं इंटरनेट पर अवेलेबल, आप उसमें से कोई भी जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 936 हो गया, राइट। तो उसके बाद में आपको पहले जो मूविंग एवरेज सेलेक्ट करने हैं, मैं बाय डिफॉल्ट 13 और 21 आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये दो मूविंग एवरेज कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है, राइट। तो आपको अगर कोई और पसंद चाहिए, आपको कोई और पसंद है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पर जो चार्ट है ये सिल्वर है, MCX का सिल्वर, यहाँ पर क्रूड ऑयल भी है, क्रूड ऑयल आप जिधर चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जिंक चल रहा है 225 के आसपास, राइट। ये सिल्वर है, गोल्ड, सिकला, कोई भी कंपनी हो जो आपको पसंद हो। तो पहले यहाँ पर मैं आपको इसको बैंक निफ्टी पर चला के दिखाता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत है वॉलेटिलिटी, तो उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तो पहले हमें इसमें एक टेम्पलेट लगाना होगा जो मैंने बना के रखा है मूविंग एवरेज का, और इसको मैं 5 मिनट पर कर देता हूँ। तो 5 मिनट पर करने के बाद आज का जो मार्केट है वो पूरा बाई साइड में चला रहा है। यहाँ पर कोई भी बाई का सिग्नल लगभग मार्केट के ओपन होते ही इसने इसको क्रॉसओवर कर लिया है। तो ये जो रोबो है ये जब क्रॉसओवर, नया क्रॉसओवर फॉर्म होगा तभी ये रोबो ट्रेड लेगा। तो ये 1 मिनट का, 5 मिनट का आप इसको कर सकते हैं, ये देखिए राइट, 13 और 21 के। तो अभी हम इसको टुडे पे टेस्ट करके देखें, टुडे तो कितने ट्रेड एक्टिवेट हुए वो हमें पता चलेगा। बैंक निफ्टी पर मैंने रखा है, और ये जो मूविंग एवरेज है इसके इंडिकेटर्स में जाकर मैं दिखाता हूँ। ये 21 का एक्सपोनेंशियल का है लाल कलर का, और ये जो है 13 का है। तो इसको हम बैंक निफ्टी पे ड्रॉ करेंगे पहले, राइट। तो ये बैंक निफ्टी का वैल्यू जो करंट है वो 37,073 पे आज की मार्केट क्लोज हुई है, आई थिंक 37,583 पे, राइट। तो जब टेस्टिंग होगी या मार्केट चालू होगा तब ये नेम चेंज हो, यहाँ पर सिल्वर लिखा है यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको भी चला के दिखाता हूँ इसको, बस हमें एक स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। 15 या 14 तारीख से लेकर हम कर सकते हैं, कल तो छुट्टी था, राइट। 15 तारीख को हम देखते हैं कि क्या ट्रेड मिला है। शायद ये आज का टेस्ट नहीं कर रहा है, तो हम फिर इसका ये देखते हैं 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक छोटे छोटे ट्रेड्स कैसे लेता है ये, इसके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर जो लॉट साइज है वो 0.01 की, मतलब एक लॉट साइज आप पकड़ के चलिए, और जो इनपुट हमने जो दिया है वो आप 20,000 ऐसा भी दे सकते हैं इस टेस्टिंग के लिए। ये डॉलर्स में दिखा रहा है हमें यहाँ पर, लेकिन हम इसको रुपीज़ में कंसिडर करेंगे, राइट। 20,000 हो या 25,000 हो, 50,000 हो, जो भी अमाउंट हो, राइट। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैंक निफ्टी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो आपको ट्रेड कहाँ पर गिरते हैं वो आपको दिखाई देगा। तो मैंने चालू किया है 8 तारीख से 12 तारीख तक, अभी मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली ओपन हुआ, डायरेक्ट 36 के आसपास ओपन हुआ है। और थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी यहाँ पे वो ट्रेड नहीं ले रहा है क्योंकि आई थिंक लॉट साइज में कुछ गड़बड़ी है, ऑर्डर सेंड का एरर आ रहा है 1 मिनट में। तो अपन लॉट साइज चला चेंज करके देखते हैं, 0.1 का करते हैं, 0.1 तो 10 लॉट पे हम करके देखते हैं, जो कि उधर 25 का लॉट साइज है बैंक निफ्टी में। अभी देखते हैं कि ट्रेड ले जाए कि नहीं, अभी भी एरर आ रहा है। हाँ, ये देखिए ट्रेड गिर गया है। तो सबसे पहला जो ट्रेड है वो यहाँ पर गिरा है, इस लेवल पे जो सेल का ट्रेड गिरा है वो यहाँ पर, क्योंकि ये जो बाई का क्रॉसओवर था ये पहले से यहाँ से चालू था, तो ये ट्रेड नहीं लेगा ये। तो जैसे ही पहला क्रॉसओवर आएगा, पहले क्रॉसओवर के बाद अगर क्रॉस होम करके भी देखते हैं हम, तो इसने ट्रेड नहीं लिया है यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये वाला जो है ये बाई का सिग्नल जो है ये मार्केट बाई से बाई में चल रहा है, क्रॉसओवर हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर पहला सेल का सिग्नल एक्टिवेट हुआ, एक कैंडल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने सेल कर दिया, राइट। तो सेल होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे 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 गया है, और जैसे ही बाई का क्रॉसओवर आया है तो उधर ट्रेड अपना क्लोज हो गया है। तो जो पहला जो ट्रेड है यहाँ पर, जो पहला ट्रेड है वो उसने 12,000 का प्रॉफिट कर दिया है, राइट। और दूसरा जो सेल का ट्रेड इसमें गिरा है, हम इसको एक ट्रेड को भी सेट कर सकते हैं, दिन का एक ही ट्रेड गिरे हमारा, ऐसा भी हम इसको सेट कर सकते हैं, राइट। अभी फिलहाल जितने भी क्रॉस ओवर आएंगे उतने सारे क्रॉस ओवर ये ट्रेड कर देगा, राइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ट्रेड का भी हम इसमें कर सकते हैं, राइट। जो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अपने ऊपर डिपेंड है। तो ये सेकंड ट्रेड है जिसमें 7,000 का नुकसान हुआ,
और थर्ड क्रॉस ओवर पर इसमें 13,000 का प्रॉफिट कर दिया है। लगभग यहाँ पर ये ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार दिख रहा है आपको, राइट। हमने 20,000 से इसको स्टार्ट किया था, आपको याद होगा। तो 20,000 का जो अमाउंट है अपना, यहाँ पर रिजल्ट में आपको दिख रहा होगा, बैलेंस जो है वो पहला ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद 32,000 कुछ हो गया है 20,000 से स्टार्ट होने के बाद। ओके, तो अभी ये आगे कैसे परफॉर्म करेगा, हम इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, राइट। तो अपना टाइम फ्रेम 1 मिनट 5 मिनट आप जो चाहे लगा सकते हैं, उस टाइम पे ये बाय और सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी हमें जो काम करना है, राइट, वो इंडियन मार्केट में ऑर्डर यहाँ से जाएगी कैसे, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। वो मैं कुछ दिनों में कर दूंगा, वो भी बस एक डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिखाने के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो या करेंसी हो, फॉरेक्स मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट का भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ अभी, राइट। इसको पहले ख़त्म कर देते हैं, ये टेस्ट ख़त्म हो गई, राइट। तो अभी फॉरेक्स मार्केट जो है वो USD INR का हमें जो देखना पड़ेगा, यहाँ पर 4 पेयर पे हम ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट से। जो करेंसीज है यहाँ पर GBP INR, EUR INR और सारे के सारे लगा लेते हैं, GBP INR, USD INR, राइट, ये चारों हमने लगा दिए। इस पर भी हम ट्रेड डाल सकते हैं, ये 73 पर है स्पॉट, नेक्स्ट ट्रेड नो दिखा रहा है। टेस्टिंग के लिए हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बस अपना सिग्नल जाने वाला है अपने ब्रोकर के पास, जो हो या स्टॉक्स हो कोई भी हो, तो हम इस पर वही टेस्टिंग करेंगे अभी, राइट। आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि इधर USD INR नहीं दिखा रहा। तो पहले बैंक निफ्टी का करके देखते हैं, बैंक निफ्टी का या ACC सीमेंट का करके देखते हैं, और जो स्टॉक होगा वो हम एक क्वांटिटी पे करके देखते हैं, राइट। जो मूविंग एवरेजेस हो तो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 और 50 पे 1 मिनट का क्रॉस ओवर पे करते हैं, ठीक है। जो गोल्डन क्रॉस ओवर है तो हमें टेस्ट चालू होने के बाद जो है वो मूविंग एवरेज का टेम्पलेट इसमें लगाना होगा, राइट। अभी मैं इसको फिलहाल पॉज कर रहा हूँ, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जो सेकंड मूविंग एवरेज है उसको मैंने 50 किया है, 50, और जो पहला वाला है जो है वो है 20 कर दिया है, 20। तो उसके बाद में हम टेस्ट कंटिन्यू करेंगे, राइट। अभी जैसे ही क्रॉस ओवर आएगा वो ट्रेड डाल देगा, देखिए लगभग बाजू में ACC सीमेंट का नाम भी आ रहा है, ये देखिए सेल हो गया, ये बाई और सेल कंटिन्यूस। अभी ये 1 मिनट पे बहुत सारे फॉल सिग्नल भी आते हैं, तो टाइम फ्रेम अगर हमारा अच्छा हो तो, और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसने जो ट्रेड लिए है वो लगभग 5,000 का लॉस किया, इसने 8,000 का लॉस किया, 6,000 का लॉस किया है। तो ये एक जनरली डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैंने आपको दिखाया, इसको आप बाहर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जब ट्रेड आए तब स्टॉप लॉस लगाना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊँ यहाँ पे, यहाँ से हम टेस्टिंग इसको अगर उठा लें, राइट, तो आप देखिए कि प्रॉफिट इशू कैसा होगा इसका, हम 5 मिनट पे करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा डाटा चाहिए, तो डाटा डाउनलोड नहीं कर रही है सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको क्रूड ऑयल पे लगा के देखते हैं, क्रूड ऑयल NCRO, क्रूड ऑयल पर भी आपका अगर कोई कॉम्बिनेशन हो मूविंग एवरेज का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए अगर हम 1 लॉट भी क्रूड ऑयल का मारते हैं तो अभी इंडियन मार्केट के अनुसार 1 पॉइंट का 100 रुपये मिलता है, हमें यहाँ पे खाली देखना है जितने ट्रेड मारे। तो पहला जो ट्रेड मारा है लगभग 1382 को इसने सेल किया और 1382 को ही क्लोज कर दिया, बाई किया 1382, फिर क्लोज किया 3285 को,
तो इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला है 3 पॉइंट्स का, 3 पॉइंट्स। तो मतलब ये 300 रुपये का प्रॉफिट है, क्योंकि ये फॉरेक्स के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, तो हमें इंडियन मार्केट के अनुसार देखना है, क्योंकि यहाँ से खाली बाय और सेल का सिग्नल जाने वाला है या ऑर्डर क्लोज का सिग्नल जाने वाला है। तो इसके लिए आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, अभी मैं इसका टेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता है नहीं। ये एल्गो जी पाई API ब्रिज वर्जन है कुछ, तो हम इसमें रोबोट इस्तेमाल कर सकते हैं इंडियन मार्केट के लिए। तो ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है, राइट, इस वेबसाइट पे आप जाकर देखिए कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, राइट। और यहाँ पर उन्होंने कुछ दिया भी है, UPS वगैरह सब कुछ है इनके पास में, तो हम बस एक स्ट्रेटजी कोड करके इसमें डाल सकते हैं। तो ये एक जनरल डेमोन्स्ट्रेशन था कि ये एल्गोरिदम जो मैंने बनाया है इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि फॉरेक्स जो है वो अलग बात है। तो इंडियन फॉरेक्स जो है वो अपना USD INR GBP INR हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेस्टिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है MT4 का, तो इसमें हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाएँ और MT4 के बारे में कुछ पढ़ें, राइट। और ये जो रोबोट है ये जल्द ही रेडी है, रेडी तो है ही, लेकिन इंडियन मार्केट्स में कैसे ट्रेड जाएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा। कुछ दो तीन सेटिंग्स है कोडिंग की, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, राइट। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमें क्रूड ऑयल का देखना है या यूरो आईएनआर का भी देखना है, थोड़ा रुकिए हम इसमें टेस्ट करते हैं, फ्रेश कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पर कंट्रोल आर, यहाँ पर आता है कि नहीं देखेंगे, इसमें एक बार क्लोज करके चालू करते हैं वापस, फिर ये आएगा। चालू हो रही है, ठीक है, मेमोरी में चल रहा होगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ से, स्ट्रेटजी वाइज, स्टॉक वाइज। यहाँ पर देख सकते हैं क्रूड ऑयल जो है SBI है, जो कुछ भी आप चाहें इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए फ्यूचर करेंसी है, GBP का है, जो सिंबल का नेम होगा वो हमें टाइप करना होगा। यहाँ पर चालू हो गया, क्या गया USD INR। तो ये USD INR पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो USD INR जो है यहाँ पर अभी लोड होगा, यहाँ पर लोड हो रहा है, थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि डाटा डाउनलोड करेगा ही पहले। यहाँ पर लिखेगा हमें हिस्ट्री डाउनलोड, ज़्यादा पीछे नहीं गए हम, बस 15 फरवरी तक गए हैं, छोटा सा पॉइंट में दिखा रहा हूँ 6 महीने का, तो फास्ट हो जाएगा 1 दिसंबर से करके देखते हैं, थोड़ा तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, चालू हो गया। देखिए एक लॉट यहाँ पे इसमें सेल किया, तो दूसरा यहाँ पे बाई किया, तो ये USD INR पे मस्त प्रॉफिट कर रहा है। देखिए ग्राफ
जो मूविंग एवरेजेस होंगे हमारे वो मूविंग एवरेज पे ये ट्रेड डालेगा, राइट। तो सिंपल सा है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यूरो आईएनआर हो या जीबीपी आईएनआर हो, जो आपको चाहिए उस पर आप कर सकते हैं। अब ये देखिए ग्राफ, राइट। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंडियन मार्केट्स में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैं कुछ दिन बाद इसको लेकर आऊँगा एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू।